अगर मेरे चैनल साइबर मैनर गेमिंग में आप सभी और दोस्तों आज आपको दोस्तों मैं कंपेयर करने वाला दो स्मार्टफोन्स जो कि एक ही कंपनी के शाओमी कंपनी के हैं, तो एक है लेटेस्ट एक है थोड़ा ओल्ड, तो कंपेयर करते हैं। तो एक है रेडमी नोट 5 प्रो और एक है रेडमी नोट 6 प्रो। नाम से तो लगता है नोट 6 प्रो आगे होगा, लेकिन नहीं गाइस, यहाँ पे कुछ उल्टा ही मामला हो रहा है। तो इनकी प्राइस की बात करें तो Redmi Note 5 Pro की प्राइस जैसे कि आप देख सकते हो 15,000 रुपये है, और नीचे जाए तो डिज़ाइन की रेटिंग 8 है और डिस्प्ले की रेटिंग भी 8 है और सॉफ्टवेयर की रेटिंग भी 7 है और परफॉर्मेंस की रेटिंग 8 है जैसे कि आप देख सकते हो। और अब फॉर्म फैक्टर की बात करें तो दोनों टच स्क्रीन है, और अगर बैटरी कैपेसिटी की बात भी करें तो दोनों एक ही सेम एमएएच की बैटरी के साथ प्राइस आते हैं। और रिलीज डेट फरवरी 2018 है इसकी। और गाइस स्क्रीन साइज की बात करें तो इसमें जीतता है Redmi Note 6 Pro, तो 1 point Redmi Note 6 Pro को। और पिक्सल्स में गाइस Redmi Note 6 Pro फिर से जीतता है दूसरा पॉइंट, एक्सेप्ट रेशियो में भी तीसरा पॉइंट इसको ही जाता है। नीचे जाता है तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर आता है इसमें, और इसमें ड्राइव 1.8 GHz का सेम और स्नैपड्रैगन 636 दोनों में आता है गाइस, और 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी है गाइस। और अगर और भी नीचे जाए तो गाइस कैमरा का कंपेरिजन वगैरह हो रहा है, तो यहाँ पे रियर कैमरा में गाइस दो रियर कैमरा रेडमी नोट 6 प्रो में जो कि 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का फ्रेम रेट 1.9 अपर्चर के साथ 1.4 माइक्रोन के साथ, और दूसरी तरफ पे गाइस Redmi Note 5 प्रो का जो कि इसमें भी 12+5 मेगापिक्सल का कैमरा रियर। और गाइस अगर रियर ऑटो फोकस की बात कर तो इसमें Redmi Note 6 प्रो में है इसमें फेस डिटेक्शन ऑटो फेस हो जाता है गाइस। पर रियर फ्लैश की बात करें तो इसमें रियर फ्लैश है गाइस और इसमें LED है दोस्तों। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो Redmi Note 6 Pro में 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, और बैक और Redmi Note 5 Pro की बात करें तो Redmi Note 5 Pro में 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है गाइस। और फ्रंट फ्लैश की बात करें तो Redmi Note 5 Pro में LED है, और अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो गाइस दोनों में ही एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर है, MIUI स्कीम है, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी दोनों में ही वाईफाई GPS ब्लूटूथ माइक्रो USB और सिम दोनों में दो दो है गाइस। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि इनके सेंसर की बात करें तो दोनों में गाइस फिंगरप्रिंट सेंसर है, प्रॉक्सिमेटी सेंसर भी दोनों में है गाइस, और एक्सेलेरोमीटर भी दोनों में है। फेस लॉक Redmi Note 5 Pro में है, Redmi Note 6 Pro का पता नहीं कहाँ होगा। 3D फेस रिकॉग्निशन Redmi Note 5 Pro में नहीं है गाइस, और बाकी सब तो गाइस होते ही है सारे फोन में। इसमें बैरोमीटर नहीं है और टेम्परेचर सेंसर्स भी नहीं है। तो आपने गाइस देखा कंपेरिजन का ये हमारा वीडियो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, और थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।